हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में चीज़ आपको मोल कंसेप्ट का पार्ट नाइन जिसे आपको बताया था कि मोलर वैल्यूम क्या है और मोलर वैल्यूम के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल बताया था। न्यूमेरिकल बताने में इसमें आपको नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके आधार पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपको फिर भी क्या है इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या एलेवेंथ के लिए या नीट के लिए या IIT लेवल का भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों जरूर शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 लेक्चर चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चलिए क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 88 ग्राम CO2 का सामान्य ताप दाब पर वैल्यूम ज्ञात करें। कैलकुलेट द वैल्यूम ऑक्युपाइज बाय 88 ग्राम CO2 एट STP। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर सामान्य ताप दाब पर आपको कह रहा है कि 88 ग्राम CO2 क्या करें वैल्यूम ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे CO2 का आणविक द्रव्यमान। क्लियर, CO2 का आप क्या निकालेंगे, मोलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मोलिक्यूलर मास क्या होता है, कार्बन होता है 12 और 16 2। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 2 हो गया 12 प्लस 32 हो गया 44। इसलिए निकालेंगे मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, ग्राम में मोलिकुलर मास बट्टा मोलिकुलर मास। तो ग्राम में मैं मोलिकुलर मास कितना दिया है 88 दिया है, ग्राम में मोलिकुलर मास कितना 88 दिया है और यह आपका क्या है मोलिकुलर मास यूनिट पर 44 आ गया। यहाँ पर 44 कट गया, हो गया 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि 1 मोल CO2 गैस का आयतन 22.4 लीटर। क्लियर, चूंकि CO2 क्या है आपका गैस है, CO2 क्या है आपका गैस है। तो कोई भी गैस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो उसमें उसका वैल्यू कितना होता है 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। इसलिए कितना मोल आया है, 2 मोल आया है, इसलिए कहेंगे 2 मोल CO2 बराबर 2 × 22.4 हो जाएगा 44.8 लीटर आंसर। यानी हो जाएगा आपका 44.8 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी 88 ग्राम CO2 में आपका वैल्यूम कितना हो गया 44.8 लीटर। क्लियर, चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.4 मोल H2S का 0.4 मोल H2S का NTP पर आयतन निकाल। क्लियर, कह रहा है 0.4 मोल H2S का क्या कह रहा है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या कह रहा है वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, लिखेंगे चूंकि 1 मोल H2S गैस का आयतन ठीक है 1 मोल H2S गैस, चूंकि H2S क्या है आपका गैस है, तो 1 मोल H2S गैस का वैल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, इसलिए कितना मोल 0.4 मोल, इसलिए 0.4 मोल H2S गैस का आयतन क्या आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा 0.4 × 24.4 हो गया। कोई भी गैस हो एनी गैस हो आपको उसमें आपका उसका वैल्यू कितना निकालना है 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का वैल्यू हमसे कितना 22.4 लीटर होता है।
तो फोर से मल्टीप्लाई करें, फोर फोर जाए 16 और 9 चार गुना 8 हो गया आपका 8.96 लीटर। चार दो को 16, चार दो 8, 9, चार दो 8, ठीक है, यानी 8.96 लीटर इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि 18.066 गुणे 10 के पावर 23 अणु NH3 का सामान्य ताप दाब पर आयतन निकाल, ठीक है, यानी बोला है कि आपको 18.06 मल्टीपल 10^23 आपको मॉलिक्यूल्स है, तो उस मॉलिक्यूल्स का आपको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या करना है, वैल्यू निकालना है। क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, या सिंपल सा ट्रिक निकल जाएगा, देखिए निकालेंगे, चूंकि 6.022 गुणे 10 की पावर 23 और बराबर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, ठीक है, या हम ऐसे निकाल सकते हैं, छोड़िए यहां से निकाल सकते हैं, मोलों की संख्या यहां से निकालेंगे कितने मोल होंगे, तो मोल की संख्या क्या होता है, अणुओं की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या, क्लियर, ये कट जाएगा कितना, मतलब 3 मोल, मोल निकल गया, क्योंकि मोल जब भी दिया हो, अगर अणु का संख्या दिया हो तो मोल निकालना हो तो क्या करें, एवोगाड्रो नंबर से करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या इससे हम डिवाइड कर दिया है 3 मोल, अब देखेंगे चूंकि 1 मोल NH3 गैस का आयतन हेलो 22.4 लीटर, इसलिए कितना मोल 3 मोल, कितना होगा 3 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, 3 × 4 = 6 हो गया 67.2 क्या हो गया लीटर, 67.2 क्या हो गया लीटर हो गया, जो आपको क्या है इतना आपको निकल गया, यानी कि इस तरह आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हो तो आपको एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है, मॉलिक्यूल्स नंबर में डिवाइड देना है, आपको मोल निकलेगा, और चूंकि एक मोल गैस का वैल्यू क्या है 22.4 लीटर होता है, इसलिए 3 मोल में क्या होगा, 3 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आपके 67.2 लीटर, क्लियर। अब चलिए अब जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्टार क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसमें कम अणुओं की संख्या है, क्लियर, एक क्वेश्चन है, पहला में दिया है ऑप्शन ए में 11.2 लीटर, ठीक है 11.2 लीटर SO2 NTP पर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में दिया है
एक मोल SO2, ऑप्शन सी में दिया है 1×10³ अणु, और डी में दिया है 1×10³ सभी। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है IIT में पूछा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपको IIT में पूछा हुआ है। अब इसमें बताना है आपको, ऑप्शन में दिया है कि निम्न में से किसमें कम अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या किसमें सबसे कम है ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहला इसका हल करते हैं, ऑप्शन ए वाला क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे मोल, इसके लिए क्या लेंगे मोल, तो मोल बराबर क्या होता है 22.4/11.2, ये हो गया 2 मोल। ठीक है, और एक मोल में, ठीक है, एक मोल में कितना होता है आपका मॉलिक्यूल्स, एक मोल में 6.0, यहाँ पर अगर 2 मोल में तो 2×6.0 2×10³ और क्लियर, इतना हो गया। पहला में आपको आएगा इतना मॉलिक्यूल, यानी कि 11.2 लीटर SO2NT पर आपको इतना इसमें अणु होंगे। क्लियर, बी में देखते हैं, बी में दिखा है 1 मोल SO2, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.0×10³ अणु, ये फिक्स है, चूंकि यह 1 मोल ही था, 1 मोल ही है, तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल होता है। सी में आपको दे ही दिया है 1×10³ अणु दिया है। क्लियर, अब देखेंगे इसमें सबसे कम किसमें है, सबसे कम किसमें है, तो आपको ऑप्शन ए में दिया है इतना अणु, ऑप्शन बी में दिया है इतना अणु, ऑप्शन सी में इतना अणु, तो सबसे कम है इसमें। क्लियर, सबसे कम किसमें है, ऑप्शन सी में, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसको क्या है फास्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका मूल कंसेप्ट, आज हमारा मूल कंसेप्ट क्या हुआ, एंड हुआ। और हम नेक्स्ट क्लास से आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको हम लेकर आएंगे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेट करूँगा और से ज़्यादा मैं आपको टाइम दूँ और आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज देकर मैं आपको आगे ले चलूँ। थैंक्स माय वाचिंग, फिर मिलते हैं।